समाज सेवा करने के कई तरीके हैं। गरीब एवं दीन दुखियों की मदद करने का जज्बा हो तो किसी भी प्रकार से उनकी मदद कर समाज सेवा की जा सकती है। इसका उदाहरण रविवार को कन्नौज नगर में देखा गया। इंदौर के प्रख्यात डॉक्टर सचिन वर्मा जो कि प्लास्टिक सर्जन है एवं पत्नी डॉक्टर अर्चना वर्मा जो कि न्यूरोलॉजी है ने अपनी दादी उमाबाई एवं दादी जी राम नारायण देवड़ा की पुण्यतिथि पर कन्नौज नगर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे और अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। डॉक्टर दंपति ने मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया और बीमारियों के बचने के तरीके भी बताए। डॉक्टर अर्चना वर्मा ने बताया कि उन्होंने पहली बार इस प्रकार के शिविर का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने पहुंचकर परामर्श लिया है। मैडम क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अर्चना वर्मा न्यूरोलॉजिस्ट हूँ मैं। यहाँ आज कन्नौज में क्या कार्यक्रम आयोजित किया आपने? आज मेरे दादा ससुर श्री राम नारायण जी देवड़ा और उनकी पत्नी श्रीमती उमाबाई जी देवड़ा का के सम्मान में, वो कन्नौज के ही रहने वाले थे, उनके सम्मान में मैंने और मेरे पति डॉक्टर सचिन वर्मा, ये प्लास्टिक सर्जन है, हमने ये कैंप आयोजित किया है। पूरी तरह से निशुल्क कैंप है। इसमें हमने न्यूरोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी के सभी मरीजों का निशुल्क उपचार कर रहे हैं हम। न्यूरोलॉजी में शिविर इस प्रकार का आयोजित था, पहली बार है कि पहले भी करा आपने? अभी हम पहली बार आए हैं पर बार बार आते रहेंगे क्योंकि हमें आकर लगा कि मरीजों को हमारी ज़रूरत है तो हम आते रहेंगे। किसी भी तरह की बीमारियों में सबसे महत्वपूर्ण एक सामान्य दिनचर्या होना, समय पर भोजन कीजिए, समय पर सोइए, तनाव मत लीजिए और रेगुलर रूप से एक्सरसाइज जरूर करें। और ये सामान्य चीज़ों के अलावा फिर उसके बाद जो बीमारियां हैं उनके लिए हम हैं उपचार देने के लिए, उसे रेगुलर रूप से लेते रहें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।